थिंग सेठी साहब, एक चीज मानेंगे आप, एक चीज मानेंगे आप, पिछले एक साल में एक चीज हुई है. आम आदमी पार्टी वॉज अ पार्टी दैट वॉज बॉर्न आउट ऑफ एन एंटी करप्शन क्रूसेड, एन एंटी करप्शन मूवमेंट, एंड नाउ इट इज कॉट इन द क्रॉस फायर ऑफ करप्शन. ये तो आप मानेंगे कि जो दाग लगे हैं, दाग लगे हैं, ये तो मानेंगे. दैट पीपल नाउ बिलीव दैट दिस इज नॉट अ पार्टी विद अ डिफरेंस. दिस इज अ पार्टी दैट हैड टोल्ड अस दैट दे आर पाक साफ, that there is not a, you know, there can be no corruption as long as Arvind Kejriwal is the chief minister of the state. Now no one believes that. ये तो आप agree करेंगे? This is not a party with a difference anymore. मैं इसी बात को करने की जा रहा हूँ, आपका जवाब देने जा रहा हूँ कि ये पार्टी जब जब किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म करा है या करप्शन करी है, वो किसी भी पद के है, ऊपर है, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, इस बात के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है हमारा. लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि जब संविधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके अपने विपक्षी नेताओं को चुनाव के मद्देनजर, ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है 2024 की, 2024 के अंदर वो इतना डिफेम कर देना चाहते हैं, उनको ये पता है कि प्रधानमंत्री मोदी के आगे अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है तो वो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया. इस करके वो चाहते हैं कि इनको इस इतना डिफेम कर दीजिए कि चुनाव तक लोगों का ब्रेन वॉश हो जाए और चुनाव तक इसको लिंगर ऑन करने का प्रयास करा जा रहा है, संविधानिक संस्थाओं का मिसयूज करा जा रहा है. लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा. बट इज द आम आदमी पार्टी गिविंग देम दैट अपॉर्चुनिटी? Is the question that we want to ask. The ED and the CBI cannot come knocking at your door if there is nothing, na? नहीं, अभी तो कुछ मिला नहीं. आप बताइए ना, अगर उन्होंने कुछ डिक्लेयर करा, उन्होंने Supreme Court had all the documents that the CBI has submitted to them, right? There was a counter argument that was made in the Supreme Court. अगर CBI रिमांड मांगती है और 99.9% केसों के अंदर रिमांड जो कोर्ट है वो न्यायालय देती है, इंटरोगेशन के लिए देती है. उनका प्ली कुछ नहीं था, उनका प्ली था कि हमें कॉपरेट नहीं कर रहे. उन्होंने ये नहीं कहा कि ये उन्होंने कहा कि हमें कॉपरेट नहीं कर रहे. तो न्यायालय ने एक प्रक्रिया, उसके तहत 5 दिन का रिमांड है और इसको फिर आगे भी बढ़ाया जा सकता है.